हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये है निगेटिव सेंटेंस मेकिंग और ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग क्या कहलाता है? क्वेश्चन, आप इसको क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन मेकिंग वही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग। इसका हम अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य पिछले क्लास में बता चुके हैं और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर, तो जो साधारण वाक्य का वीडियो ना देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अधिकांश टॉपिक कवर कर लिया है। शॉर्ट बताए दे रहे हैं कि अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं कि रहा हूं आता है, तो हम पहचान जाएंगे कि डेफिनेटली वो किसका सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो बिना वक्त गवाए हम चालू करते हैं अपना, स्टार्ट कर रहे हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका रूल है। रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हमने पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छे से बताया है कि केवल तीन हेल्पिंग वर्ब है, ईट, एम, आर। बस ये कहां कहां लगती है ये भी बता दिया है, ना देखे हो जाके डिस्क्रिप्शन में लिख कर देख सकते हैं। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस के रूल। निगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल क्या कहता है, पहले ढूंढो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं ईट, एम, आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लगा देते हैं नॉट, क्योंकि निगेटिव है, ना का बोध हो रहा है, इसे लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बाद नॉट, फिर मेन वर्ब पर लगा देते हैं आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब लगाते रहते हैं, ना। तो चलिए हम इसको एग्जांपल दे देते हैं। मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूँ। अब डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूँ, मतलब नकारात्मक निषेधात्मक या कि आपसे निगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, ये हमारा नकारात्मक सेंटेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरह से बनाएंगे। पहला काम सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, मैं, आई मतलब मैं, आई अक्षर लगता है एम, अब नहीं आ रहा हूं आई एम नॉट, आ रहा हूं मेन वर्ब है कम, तो कमिंग, क्योंकि इसका आईएनजी फॉर्म लगता है। अब तुम्हारे घर, एट योर होम, मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग एट योर होम। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, नहीं नकारात्मक, तुम, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यू, आर, अब नहीं तो नॉट, लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन नहीं रहे हो। अगला हमारा सेंटेंस है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप या तुम, यू होता है इसके लिए, यू के साथ लगाते हैं आर, आप ध्यान नहीं, तो यू आर नॉट, ध्यान देना, पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। अगला हमारा एग्जांपल है, वे चाय नहीं पी रहे हैं, वे चाय नहीं पी रहे हैं, मतलब वे लोग बोल रहे हैं, वे सब बोल रहे हैं, या कि वे चाय नहीं पी, एक ही बात है। वे के लिए हम यूज करते हैं दे, दे के साथ हमारा लगता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आर, अब नहीं है तो नॉट, दे और नॉट, चाय पीना होता है टेक, जिसका हम क्या करेंगे आई एम जी फॉर्म, टेकिंग, दे आर नॉट टेकिंग टी, वे चाय नहीं पी रहे हैं। अगला एग्जांपल हमारा, राम टीवी नहीं देख रहा है, राम टीवी नहीं देख रहा है, तो राम, इसलिए हमारा क्या है, राम है क्या सब्जेक्ट, राम साथ लगता है ई, अब नहीं देख रहा तो राम इज नॉट वाचिंग टेलीविजन, एक टीवी कर सकते हैं टेलीविजन, है ना, तो राम इज नॉट वाचिंग टीवी, एक टेलीविजन। और इसमें मैंने लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया है, मैं गाना नहीं सुन रहा हूं, मैं गाना नहीं सुन रहा हूं, आप इसका ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मेकिंग, इसी को बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग, क्वेश्चन मेकिंग कैसे करते हैं, किस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन मेकिंग या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव दो तरह का बनता है, हमने अपने पिछली क्लासों में बताया है कि दो तरह के इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। पहले में एक होता है सिंपल, जो क्या से स्टार्ट होता है, एक होता है जब बीच में क्या आता है, एक क्वेश्चन वर्ड आते हैं क्यों, कहां, कैसे, कब, तब, दो तरह का, एक डब्ल्यूएच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव होता है और एक सिंपल इंट्रोगेटिव, जो कि हमारा क्या से स्टार्ट होता है, माने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हमने वीडियो में बताया है, जो ना देखे हो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो
पहले हम बताएंगे इसमें से क्या वाले भी और डब्ल्यू एच वर्ड वाले भी। इसका रूल जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मेकिंग कैसे करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। डब्ल्यू एच अगर वर्ड होते हैं तो पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को लिख देते हैं, उसके बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद मेन वर्ब का आई एन जी फॉर्म, इसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो कुछ नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड को हटा देंगे, पहले लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर जो लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का आई एन जी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो देखिए कैसे करते हैं, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला नहीं है क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। अगर यही क्या बीच में आएगा तो क्या डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट लग जाएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्ट मेन वर्ब लगता रहेगा ना इस तरह से। तो क्या तुम मुझे सुन रहे हो, अब क्या पहले आ गया, तुम सब क्या लगता है आर, आर यू, अब सुनना क्या माने होता है लिसनिंग। अगला है क्या वे चाय पी रहे हैं, फिर से क्या आ गया है, तो वे के साथ क्या लगता है हमारा आर, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, आर दे टेकिंग टी, क्या वे चाय पी रहे हैं, आर दे टेकिंग टी। अगला है तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, अब हमारा क्यों आ गया बीच में, मतलब जो हमारे क्यों है मतलब क्या शुरू से नहीं हुआ है ना, क्यों आ गया, तो क्यों हमारा, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है डब्ल्यू एच वाई, वाई मतलब होता है क्यों, तो वाई को हम पहले कर देंगे डब्ल्यू एच वाई। अब तुम है, तुम क्या है सब्जेक्ट, तुम के साथ क्या लगता है आर, तो वाई आर, फिर सब्जेक्ट वाई आर यू। अब लड़ाई क्यों कर रहे हो, तो फाइटिंग वाई आर यू फाइटिंग, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो। अगला एग्जाम्पल है रोहन कहां जा रहा है, रोहन कहां जा रहा है, तो कहां, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड आ गया कहां, तो क्वेश्चन वर्ड कहां मतलब क्या होता है वेयर, वेयर। अब रोहन सब क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब इज, वेयर इज रोहन, अब जा रहा है, जाना आप ही जानते हैं वो, तो आई एन जी लगा देंगे है ना, तो वेयर इज रोहन गोइंग, रोहन कहां जा रहा है। अगला एग्जांपल है राम क्या खा रहा, अब यही जो क्या है बीच में आ गया, अभी स्टार्टिंग में आता था तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते थे, अब बीच में आ गया तो हम डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्या तो वर्ड मतलब होता है क्या, अब बस वही हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, राम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ड लगती है इज, व्हाट इज, अब लिखेंगे राम, व्हाट इज राम ईटिंग, व्हाट इज राम ईटिंग, राम क्या खा रहा है। अगर यही बस क्या पहले आता क्या राम खा रहा है तो इज राम ईटिंग, और अगर क्या बीच में आ गया तो व्हाट इज राम ईटिंग है ना। अगर क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का, यानी इस तरह से लगाते रहते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर देते हैं अगर क्या शुरू में आता है तो, है ना। तो आप दोनों तरह का आगे समझ चुके होंगे, और जो नहीं समझे हैं तो हमने बता भी दिया है डिटेल से। अब ये हमारा है एक, इसको आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, क्या हम रीवा जा रहे हैं, क्या हम रीवा जा रहे हैं, इसको आप इसका ट्रांसलेशन करके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें।